हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आगे का ब्लॉग मैं मील पहुँच चुके हैं, हम लोग वहीं से शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ये देखो, हम लोग आए हुए हैं बड़ी वाली मामी के घर और यहाँ पर छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। तो लड़का है सागी का और लड़की है हीरू की। तो बढ़िया, दो दो बच्चों को हम लोग आते बन खिला रहे हैं। तो भतीज भतीजी दोनों यहाँ पे मिल गए खिलाने के लिए। मामी वहाँ बैठे हुए सामने। ये सोनपरी, सोनपरी, सोनपरी है, सोनपरी, सोनपरी नहीं है, गोद में सोनपरी है। सोनपरी सुन लेती है अपने नाम। देखो भैया, सोनपरी, सोनपरी देखो हंस रही है, सोनपरी, सोनपरी खुश हो रही। ये बिल्कुल हमारे मामा जैसा दिखता है। तो हमारे ननिहाल की फैमिली काफ़ी बड़ी है। पहले हमारे नाना जी तीन भाई थे और उसके बाद फिर मेरे साथ मामा और फिर सभी सातों मामा के लड़के। तो बहुत बड़ी फैमिली रहती, सबके एक एक दो दो लड़के। तो ये सबसे हमारे जो बड़े वाले मामा थे उनका पोता है ये। ये अभी हुआ है, एक दो महीने पहले इसकी बर्थ हुई है। तो अभी बहुत आराम से लेटा हुआ है, बहुत ही सीधा है, बिल्कुल रोता नहीं है। तो इसका फर्स्ट रक्षाबंधन है, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं। जितनी भी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं घर में, जितनी भी कन्याएँ हैं, जितनी भी इसकी बहनें लगती हैं, इसको राखी बांधेंगे और हमारा जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम है वो आगे प्रोसेस में है। तो ये हमारे सबसे बड़े वाले मामा का छोटा बेटा है। तो बस साहिल को हम लोग राखी बांधेंगे और हीरू को नहीं बांधा था, तो हीरू को भी यहाँ पे सारी बहनें बांधेंगी। प्राची उधर हीरू को बांध रही है और एक साथ हम लोग दो दो को निपटा रहे हैं। तो ऐसे ना अभी, क्योंकि हम लोग को फिर से वापस जाना है और हमारा लंच कहीं और बन रहा है। और यहाँ पर जो हमारी भाभी है गीतांजलि, साहिल की वाइफ, वो नाराज़ हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने जल्दी जल्दी हड़बड़ी से ना सारा अरेंजमेंट कर लिया है। उसका मन है कि हम लोग यहीं पर खाना खाएं मील में, तो जल्दी जल्दी से किचन में लगी हुई है और कह रही दीदी आप लोग खाना खाइए, आप लोग यहाँ कभी भी नहीं रुकते हैं। तो यही सब बातें हो रही है और यहाँ पे सबको दक्षिणा मिल रही है। तो जितनी भी लड़कियाँ साहिल के बेटे को राखी बांध रही हैं, उसका फर्स्ट रक्षाबंधन है, तो वो सभी लोग को साहिल खड़े होकर के पैसे दे रहे हैं। लोग हम लोग फिर से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग आ गए तीसरे नंबर वाली मामी के घर। तो यहाँ पर खाना रेडी हो गया था, तो मामी ने कहा बच्चों को यहीं पर खिला दो। और हमारी मामी किचन में जल्दी जल्दी से लगी हुई थी, तो रोटी और पनीर की सब्ज़ी इन लोग को मैं अक्षत को और आद्या को खिला देती हूँ। साथ में मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। हमारी वाली मम्मी तो चली गई, बड़ी मम्मी नहीं है बुआ, चाची है, छोटी मम्मी है। सब लोग पी के बना रहे हो, बना लो। आ गए हैं हम दूसरे नंबर वाले मामा के घर। तो यहाँ पे मामा की सामने तस्वीर लगी हुई थी, तो मम्मी और मौसी दोनों थोड़े से देख करके इमोशनल हो गए थे और यहाँ पे मामा जी की तस्वीर पर राखी बांध रहे थे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है, जो हमारे बीच नहीं रहते उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऊपर आ गए थे तो सभी भाई यहाँ पर लंच करने में लगे हुए थे एक साथ, देख सकते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ इस तरीके से हमारे घर में मनाया गया। और इतनी बड़ी फैमिली है कि ब्लॉग, तीन चार ब्लॉग तो पक्का बनने ही थे। तो मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, एवरी मोमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे अक्षत आद्या की फ़ाइट चल रही, तो भाई बहन का रिलेशन कुछ ऐसा ही होता है, कुछ देर प्यार मस्ती, कुछ देर फाइट। यहाँ पे मौसी और बिट्टू आराम से बैठे हुए थे, मम्मी भी आराम से बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो सभी लोग खाना अब हम लोग भी खाएँगे, मम्मी, मैं, बिट्टू, प्राची, हम सभी लोग अब साथ में बैठ करके लंच करेंगे।
यहाँ पे मनु ने सबके बीच करवा दी है लड़ाई, क्योंकि कुछ बहनों को उसने रक्षाबंधन पे 500 दिए थे और कुछ बहनों को 100 रुपीस दिए हुए हैं। तो वही बिट्टू को 500 मिले हैं, मुझे प्राची को 100 मिले हैं, खुशी जस्सी को भी 500 मिले हुए हैं। तो इसी बात पर मनु की तस्करी ली जा रही है, मज़े लिए जा रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा पार्शियलिटी क्यों किया है। उसके बाद हम लोग लंच करने जा रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं पूड़ी बनी हुई है, पनीर की सब्जी है, चावल है, सैलेड है और खीर है, यही सब कुछ बना हुआ है। तो हम लोग यही लंच में खाने वाले हैं और सब। तो अभी बिट्टू अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, घूमने गई थी, तो अभी तक वही सब बातें चल रही थी और अब हम लोग लंच कर रहे हैं। पीना पीलो, गिराना नहीं थी। क्या सुनी फिर मेरे एक्सपीरियंस में? बिट्टू उदयपुर में कुछ खरीदारी की बातें कर रही थी, कुछ घूमने उमने की, तो वही सब बातें हो रही थी। प्राची के साथ शेयर कर रही थी, मेरे साथ उसने शेयर ही नहीं किया। क्योंकि वो घूम के आई है अभी तो उसका और मेरा। अच्छा हाँ, दोनों एक ही रहती है, मौका मिल रहा है तो घूम ले रहे हैं, फिर बाद में अच्छे हो जाएंगे तो कहाँ घूमना। तो यहाँ जो हमारी मामी हैं, प्राची की मम्मी, उनको राखी बांधने जा रही हैं हमारी मम्मी और मौसी दोनों लोग। और मामी थोड़ी सी हमारी इमोशनल हो गई थी इस मोमेंट पर, क्योंकि हमेशा रक्षाबंधन पे मामा को राखी बांधती थी और अब मामा हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो देख सकते हैं मामी के आँखों में हमारे आंसू आ गए हैं, बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। मम्मी लोग भी आज कई बार मामा लोगों के लिए रो चुकी हैं, तो होता नहीं, जब जो हमारे बीच नहीं रहते हैं वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो अभी रक्षाबंधन का त्यौहार चल ही रहा है, अभी हमारी बड़ी मामी को राखी बांधना बाकी है, क्योंकि मम्मी लोग मिल नहीं जा पाई हैं, तो वहीं जाने की तैयारियां, बातें यही हो रही थी कि इसके बाद हम लोग मिल चलते हैं वहां चल करके। और देख सकते हैं हमारी मामी क्या लेकर के आई, हमारी मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर के आई हैं, मम्मी और मौसी दोनों के लिए। तो यहाँ पर मामी दोनों के लिए बढ़िया बढ़िया सी साड़ी लेके आई हैं, और यहाँ पर उदयन को देख सकते हो प्राची खड़े होकर चिप्स खिला रही थी। और देख सकते अभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है। हम लोग राखी बांधी है मामी लोगों को, मामी को राखी बांध रही है और अब सब लोग जाने की तैयारी में है मेल। तो अब देखो मेरा प्लान क्या होगा, मैं जाती हूँ जाती, इससे कह रही हूँ कि तुम भी चलो, तो ये आगे पीछे हो रही हूँ। हाँ 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 ठीक है, अभी कल रुकेंगे वहाँ से, जेल से आने के बाद हम शाम तक यहीं रहेंगे, उसके बाद रात में हम लोगों को जाना। शाम के समय हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया था, घंटे डेढ़ घंटे, और उसके बाद वंदना ने यहाँ सबके लिए बनाई थी गर्मा गर्म चाय। और वैसे भी मन कर रहा था गर्मा गर्म चाय पीने का, तो चाय है, नमकीन है, बिस्किट है, यही सब कुछ यहाँ पे वंदना ने सबके लिए रेडी किया हुआ था। तो सब लोग यहाँ पे फुल रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हम सब लोग घर में ही थे पूरे टाइम, आराम से अंदर ही बैठे रहे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी बाहर। और अब शाम का टाइम हुआ है तो यहाँ से पूरा रोड का नज़ारा दिखता है, तो सभी लोग छत पे आ गए थे, सारे बच्चे, प्राची, हम सभी लोग, और यहाँ पे खड़े होकर के बालकनी में। यहाँ फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हुए हैं प्राची के घर में और दूसरे नंबर वाली मामी के यहाँ, और आज यहाँ पूरी दोपहर महफिल जमी रही। हम लोग दोपहर में लंच करने के बाद यहीं लेटे और एक डेढ़ घंटे लेटे, बट किसी के आँख में नींद आई ही नहीं, सबने खूब बातें करी, बिट्टू ने, मैंने, प्राची ने। मम्मी कह रही थी पहले जब शादी के पहले तुम लोग मिलते थे तो इतनी सारी बातें हो जाती थी, तुम लोग ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, और आप थोड़े गुमसुम से हो गए हो। तो होता नहीं, शादी के बाद थोड़ी लाइफ चेंज हो जाती है, वैसा ही हमारे साथ भी है, लाइफ एकदम सी बदल सी गई है। और अब उतना नहीं हो पाता क्योंकि हर जगह की बातें आपके माइंड में रहती हैं, ससुराल से लेकर के मायके तक, तो काफ़ी कुछ चेंज है। ऐसा किसके किसके साथ होता है, मैं आई थिंक जितनी भी मैरिड लड़कियां होंगी जिनकी शादी हो गई होगी, उनकी शादी के बाद ऐसे ही होता है। और स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी केयर और भी बढ़ जाती है और आपका मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो
बच्चों की तरफ भी ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण बाकी दुनिया से आपका इंटरेक्शन थोड़ा कम होता जाता है। तो जेन्युइन है, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, सब लोग बाहर खड़े हुए हैं, बाहर इंजॉय कर रहे हैं, वेदर थोड़ा सा ठंडा हुआ है। अभी तक पूरे टाइम तो हम लोग एसी में बैठे रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा बाहर ह्यूमिडिटी थी, गर्मी थी, और जिसके चलते ना मन ही नहीं कर रहा था बाहर जाने का। लेकिन हाँ, अभी सभी लोग बाहर गए हुए हैं तो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मम्मी भी वेट कर रही हैं। और पहले हमारा मिल जाने का प्लान था लेकिन अब भी कैंसिल हो चुका है, और अब बस पीछे जाएंगे। मामी ने हमारी चूल्हे में खीर बनाई है, तीसरे नंबर वाली मामी ने, तो वो बोल रही कि चूल्हे की जो खीर की बात होती है वो एकदम अलग होती है, तो बहुत ही टेस्टी बनाती भी हैं वो। तो बोली है कि आप लोग सब लोग खीर यहीं से खा करके जाइएगा। तो अभी हम उनके यहाँ जाएंगे, खीर इंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर शाम को उधर चक्की साइड चले जाएंगे। और चक्की मतलब फार्म हाउस, चक्की मतलब, और चक्की उसको बहुत पहले से बोला जाता है, तो इसी वजह से आज भी चक्की बोलता है। वो मामा का घर ही है, तो छोटे वाले मामा वहीं रहते हैं और पाँचवें नंबर वाले मामा भी वहीं रहते हैं। तो बस अभी शाम तक हम लोग वहीं निकल जाएंगे, रात में सोएंगे, मॉर्निंग में सुबह निकलूंगी। और आज मुझे किसी ने जाने नहीं दिया, मैं सुबह से तैयारी बना के बैठी हूँ, अब निकलूंगी, और ऐसा करते करते ना पूरा दिन निकल गया। तो अभी किसी ने मुझे जाने नहीं दिया है, तो अब मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी है, मैं सुबह सुबह ही निकलूंगी। तो तैयारी तो मैंने बना ली है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगी, तो मे बी दोपहर तक तो लखनऊ पहुंच ही जाऊंगी, तो आराम से लखनऊ पहुंच जाऊंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उद्दू बार बार ना प्राची को लेके बाहर अंदर बाहर अंदर, टीवी ऑन करने ये तुम इसको नहीं टहला रहे, ये तुमको टहला रहा है आज, कह रहा है टीवी ऑन करो। भैया लाइट नहीं है, क्या करें बताओ, लाइट नहीं है, टीवी ऑन कर, टीवी देखने का इसका मन है। तो चलिए फिर, काफ़ी लंबी बातें हो गई, 2.5 मिनट हो गए हैं, वीडियो का यहीं एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।